Dear students, our next topic is physical properties of metals and non-metals. Now the first one is physical state. All metals except mercury, which is a liquid, are solid at room temperature. Means सभी metals solid होते हैं room temperature पर. For example, iron, you can see here iron, copper, then aluminium. एल्यूमिनियम बेटा आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में प्रेशर कुकर होंगे. देन गोल्ड लाइक दिस सिल्वर जिसे चांदी बोलते हैं आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स. यू कैन सी हियर दे आर सॉलिड. ये सॉलिड है एक्सेप्ट आई एम हैविंग वन मोर मेटल दिस इज जिंक एक्सेप्ट मर्करी. लेट मी शो यू मर्करी आल्सो बेटा. मर्करी एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. यू कैन सी हियर this is mercury. it exists in liquid state. now non-metals at room temperature may exist in solid, liquid or gaseous state. means non-metal exist in all the three states. for example, carbon, sulfur is yellow colored powder, Se, phosphorus, iodine are few examples of non-metal which exist in solid state. बेटा कार्बन आप लोगों ने देखा होगा जब काला धुआं जो निकलता है उसके अंदर कार्बन होता है वो ब्लैक पार्टिकल सूट पार्टिकल जैसे कहते हैं. ये सभी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. ब्रोमीन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड. ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. वाइल क्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल. ऑल दीज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैशियस स्टेट इन द एटमोसफियर. नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट. बेटा मेटल्स को जब हम मेल्ट करते हैं तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं और बॉयल होते हैं. आयरन का 1536 डिग्री सेल्सियस है एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 3000 डिग्री सेल्सियस. सम मेटल्स हैव एक्सेप्शनल लो मेल्टिंग पॉइंट. फॉर एग्जांपल सीजियम मेटल हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 28.7 डिग्री सेल्सियस. मीन्स इफ यू टेक सीजियम मेटल ऑन अवर पाम अगर आप अपने हाथ पर इसको लोगे तो ये मेल्ट हो जाएगा. क्यों? बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड इट मेल्ट्स एट 28.7 डिग्री सेल्सियस विच इज वेरी लेस. नॉन मेटल जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर 119 मीन्स इट इज लेस देन मेटल्स. देर आर एक्सेप्शन इन नॉन मेटल्स. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज वेरी हाई दैट इज 3723 डिग्री सेल्सियस. इन नॉन मेटल्स डायमंड हैज द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. नाउ डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम. मीन्स कितनी हैवी है वो. मेटल्स हैव हाई डेंसिटी. मेटल्स जब आप लेते हो आपको उठाने में हैवी लगते हैं. नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी. देर आर सम एक्सेप्शन. सोडियम एंड पोटेशियम दे आर वेरी लाइट इन वेट. बेटर सोडियम एंड पोटेशियम बोथ आर लाइट इन वेट. दीज आर मेटल्स. दे हैव क्वाइट लो डेंसिटी. दे डेंसिटी वैल्यू इज वेरी लेस देन दैट ऑफ वाटर. मीन्स इनकी डेंसिटी पानी से भी कम होती है. सो ओवरऑल मेटल्स हैव हाई डेंसिटी बट सोडियम एंड पोटेशियम हैज लो डेंसिटी. नाउ कम टू द हार्डनेस. मोस्ट मेटल्स आर वेरी हार्ड. यू कैन सी हार्डनेस. दीज मेटल्स आर वेरी हार्ड. दे कैन विदस्टैंड हाई प्रेशर विदाउट गेटिंग डिस्टॉर्टेड. मीन्स वो हाई प्रेशर को सहन कर लेते हैं अपनी शेप को चेंज किए बिना. आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं वो सभी मेटल्स के बनते हैं. उनकी कोई शेप चेंज नहीं होती. वो हार्ड रहते हैं. नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड. दे आर ब्रिटल. ब्रिटल मीन्स इजिली ब्रेक हो जाते हैं एंड ब्रेक इन टू पीसेज वेन हैमर्ड. जब आप उनको तोड़ते हो तो पीसेज में ब्रेक हो जाते हैं. देर आर सम एक्सेप्शंस. सोडियम एंड पोटेशियम मेटल दे आर वेरी सॉफ्ट.
मोस्टली मेटल्स आर हार्ड बट सोडियम एंड पोटाशियम कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ. बेटा इनको नाइफ से काटा जा सकता है या ब्लेड से काटा जा सकता है. डायमंड दैट इज अ नॉन मेटल. इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन. इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन. आज तक डायमंड सबसे हार्ड है. कई बार जब पहाड़ों के अंदर ड्रिल किया जाता है तो डायमंड से ही किया जाता है. ड्रिल मशीन के आगे डायमंड होता है. बेटा ये इतनी जल्दी घिसता नहीं है. इसका इसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा है. नाउ टेक सम क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन. आप आयोडीन के क्रिस्टल्स लो और उनको तोड़ के देखो. आप देखोगे वो इजिली ब्रेक हो जाते हैं. आयोडीन इज अ नॉन मेटल सो इट ब्रेक इन टू स्मॉलर पीसेस. नाउ लस्टर. मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस. उनकी चमक होती है. देखो इसमें आप देख रहे हो कि इसमें काफी शाइनिंग सरफेस है. इट हैज मेटलिक लस्टर. नॉन मेटल्स हैव डल अपीयरेंस. नॉन मेटल डल दिखते हैं देखने में. उनकी में इतनी चमक नहीं होती. नॉन लस्टर. आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच हैज नेचुरल लस्टर. आयोडीन का अपना लस्टर है. नॉन मेटल है लेकिन वो देखने में चमकदार नजर आता है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेलिबिलिटी. बेटा मेलिबिलिटी मीन्स मेटल्स व्हेन हैमर्ड कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. बेटा जब इनकी पतली पतली शीट्स बना दी जाती हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं इसके अंदर पतली पतली शीट्स. ये पतली पतली इसको शीट कह सकते हैं आप इस तरीके से. इसको ये शीट्स हैं इसके. या फिर इसमें भी अगर आप देखते हो तो ये शीट इनको पतला बीट करके इस तरीके से बनाया जाता है. तो मेटल्स आर मैलिएबल. आपके घरों में गेहूं रखने वाले ड्रम होंगे, पेटियां होंगी, वो सारे मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण उनको शीट्स में बदला जा सकता है. नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल होते हैं. व्हेन दे आर हैमर्ड, जब उनको हैमर करते हैं, दे ब्रेक अप इंटू स्मॉलर पीसेस. जिंक मेटल व्हेन स्ट्राइक with hammer, what do you observe? It break into smaller pieces. बेटा आई एम हैविंग जिंक मेटल. आप हैमर करो या कुछ करो, आप देखो मैं इसे हाथ से ही तोड़ रही हूँ. तो इसको अगर आप हैमर भी करोगे तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है. एज कम्पेयर टू आयरन ये थोड़ा सॉफ्ट होता है. यू कैन सी हियर आयरन कैन नॉट बी ब्रोकन इंटू स्मॉलर पीसेस लाइक दिस. Now next is ductility. Metals can be drawn into thin wires. बेटा मेटल से पतली पतली वायर बनाई जाती है. आप लोगों ने देखा होगा बिजली की तार होती है या और की कॉपर की बनती है, एल्यूमिनियम की बनती है, आयरन के इतने तार होते हैं बड़े बड़े जो बनते हैं ये. और आपके घर में नए डोर्स होंगे वो आयरन के ही तार लगे होते हैं उसके अंदर. इस तरीके से आपके जो मेटल है दैट कैन बी ड्रॉन इंटू थिन वायर्स. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ductility. Next is tensile strength. It is a property due to which a substance can bear a lot of strain without breaking. Metals बड़ा सारा strain means बहुत खिंचाव को सहन कर सकते हैं. Metals have high tensile strength due to their ductility and malleability. इनके पास ductility और malleability high है. Non-metals generally do not have high tensile strength. Conductivity. Metals are good conductor of हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी. इनमें से हीट आसानी से पास हो सकती है, इसमें से करंट आसानी से पास हो सकता है. आप लोगों ने देखा होगा कि बिजली की तार बड़ी दूर तक इलेक्ट्रिसिटी ले जा सकती है. हीट के लिए कैसे है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब आपकी मम्मी खाना बनाती है तो बर्तन गर्म हो जाता है. तो दैट इज सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. Means heat and electricity can flow from one point to another. This property is called conductivity. If it is, it has the property of the transfer of heat, then we say that they have thermal conductivity. And if they have the property to transfer the electrical current, then they have electrical conductivity. Now the activity is shown here. Activity is shown here. Here you can see. There is a hot water, iron rod is kept in it. If it touches the other end of the rod, it will also become hot. This is thermal conductivity.
Now electrical conductivity. Here electricity is passed with the help of wires, copper wires taken here. Here is a bulb. There is a battery which supplies the current and the bulb glows. So metals are good conductor of electricity. Non-metals are generally poor conductor of electricity. Most of the non-metals are insulators. Non-conductors, most of them are non-conductors or insulators. Graphite. बेटा ये जो पेंसिल की नोक के अंदर है, ये जो आप देख रहे हो, इट इज़ अ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन. इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर मैं इस तार के बीच में जैसे कट लगा के इसके बीच में पेंसिल की लीड लगा देती हूँ जो ग्रेफाइट की होती है, तो द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग. इट मीन्स द करंट इज फ्लोइंग थ्रू ग्रेफाइट आल्सो. सो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बेटा आप लोगों ने सेल के बीच में ऐसे ग्रेफाइट की रॉड देखी होगी. ग्रेफाइट की रॉड होती है सेल के बीच में. सो ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सोनोरिसिटी. When a metal is struck with something hard, जब आपने देखा होगा किसी hard चीज़ के साथ जब आप metal को struck कर देते हो, ringing sound is produced, जैसे आपके स्कूल में बेल की आती है. This property is called sonority. So metals are sonorous. It is due to this property metals are used for making bells. Non-metals are non-sonorous, means non-metals ऐसी property नहीं है. On the basis of these differences in the physical properties, one can distinguish between metals and non-metals. So students, now go through this chart and try to learn the difference between metal and non-metal, means according to their physical properties. Now there are some elements which show some properties of metals as well as non-metals. Kuch elements aise hote hain jo metal bhi, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं. दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स. सो एलिमेंट्स की थर्ड फॉर्म मेटलॉइड है. मींस थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड था, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक. दीज आर मेटलॉइड्स.